अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम आज सर। हमारा जो सेशन होगा बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे होगा। हम लोग स्टार्टिंग से जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं अमेजोन वीए वर्चुअल असिस्टेंट, उससे डिफरेंट एक चीज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही इस चीज़ का स्पॉइलर दे दिया था कि हम एक वो नीश और एक ऐसे टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं जो एक बहुत ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव वे है अर्निंग का। ये इतना ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव वे है कि हम इजीली से 40 to 50,000 इजीली अर्न कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉक्सी मार्केटिंग। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह की जाती है, हम इसको स्टडी करेंगे अब। अच्छा जी, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स आगे हुए हैं तो हम लोग फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग, पीएम, प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह की जाती है, क्यों इसकी जरूरत होती है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम सबको पता है कि अमेजोन पे जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारी लास्ट पेजेस पे होती है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है हमारे पास गार्लिक प्रेस। अब ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं नए नए जो सेलर होते हैं जब अपनी लिस्टिंग को लाइव करते हैं तो उन सेलर की जो लिस्टिंग होती है, उन सेलर अमेजोन का एल्गोरिथम कहता है कि अगर आपने अपनी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली उठा के पहले पेज पे लेके आना है और पहले पेज के ऊपर लाके उसको रैंक करना है बगैर किसी स्पॉन्सर्ड एड के, तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसका प्रोसीजर ये है कि आपकी उस लिस्टिंग के ऊपर अच्छी खासी सेल वेलोसिटी हो, अच्छी खासी रिव्यू वेलोसिटी हो, ठीक है, और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी किससे मैच होनी चाहिए? सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी हमारे कॉम्पिटिटर से मैच होनी चाहिए जिसके ऊपर आके हमने रैंक होना है। लेट्स सपोज हमने लिस्टिंग लाइव की है और वो लास्ट पेज पे है और हम इस बंदे ये बंदा हमारा कॉम्पिटिटर है, हमने इसको पीछे छोड़ना है और हमने इसकी प्लेस एक्वायर करनी है। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि इसको दिन में जितने ऑर्डर आते हैं उतने ही ऑर्डर हम भी अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेके आएंगे, कम से कम 8 दिन तक। 8 दिन तक लगातार उतने ही ऑर्डर हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेके आएंगे और जितने रिव्यू इसको 30 दिनों में मिलते हैं हम भी एक मंथ में अपनी लिस्टिंग के ऊपर उतने ही रिव्यू लेके आएंगे और उसी वेलोसिटी को फॉलो करेंगे 8 दिन तक, ठीक है जी। मतलब लेट्स सपोज दिन में इसको 2 रिव्यू आते हैं तो हमने भी इस चीज को मद्देनजर रखना है कि कम अज कम हमारी लिस्टिंग के ऊपर दिन में 2 रिव्यूज जरूर आए, ठीक है जी। अब हमारी लिस्टिंग तो लास्ट पेज पे है, हम कैसे ये काम करें, हम कैसे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स लेके आए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लेके आए, इसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर तो हमारी प्रोडक्ट का तो किसी को अंदाजा ही नहीं होगा। अब मुझे क्या पता कि लास्ट पेज के ऊपर कौन सा सेलर बैठा है, उसकी क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या पता वो सोने की प्रोडक्ट दे रहा हो, लेकिन मुझे तो ना उस चीज का पता लगेगा क्योंकि वो लास्ट पेजेस पे है और लास्ट पेजेस पे तो मैं जान जाता ही नहीं हूँ, ठीक है जी। तो उसका प्रोसीजर होता है सिंपल प्रॉक्सी मार्केटिंग। ये प्रॉक्सी मार्केटिंग अमेजोन की नजरों में एक इलीगल वे है। सारे ये बात सुन लें, अमेजोन की नजरों में प्रॉक्सी मार्केटिंग एक इलीगल प्रोसीजर है। तो ये हेडफोन किस काम में होता है, ठीक है जी। ये अमेजोन अलाउड नहीं करता कि आप किसी बायर को पैसे दें या उसको कह के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाएं और वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे और उसके ऊपर रिव्यू दे। ये एक इलीगल प्रोसीजर है अमेजोन के रूल। ये काम करना पड़ता है हमें, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, ठीक है जी। अब सेलर खुद ये काम नहीं कर सकता, सेलर खुद ये काम नहीं कर सकता कि अपनी प्रोडक्ट को खुद ही परचेज करे और उसके ऊपर खुद ही रिव्यू दे, क्योंकि अगर वो ये काम करेगा तो उसकी जो प्रोडक्ट है और उसकी जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा और वो कभी भी अपना अकाउंट खुलवा नहीं सकता। तो उसके लिए सेलर क्या करता है, उसके लिए सेलर मुख्तलिफ प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम्स को हायर करता है, मुख्तलिफ प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम्स को हायर करता है। प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो सिंपल सा प्रोसीजर समझें, सबसे पहले तो सिंपल सा प्रोसीजर समझने की कोशिश करें। प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम अमेजोन के एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए, अमेजोन का एल्गोरिथम के फॉलो को फॉलो करते हुए एक लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है जी। उस लिस्टिंग को एड टू फेवरेट करते हैं या एड टू कार्ट करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और उस लिस्टिंग को परचेज करते हैं और 7 दिन बाद उस लिस्टिंग के ऊपर रिव्यू देते हैं। ये फास्ट सा सिंपल सा उसका एक्नॉलेजमेंट थी, सिंपल सा। अब इसको डीपली स्टडी करते हैं। मैं एक प्रॉक्सी मार्केटर हूँ, मैं एक प्रॉक्सी मार्केटर हूँ। अब इसको डीपली और आहिस्ता स्टडी करते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वैसे क्लाइंट आया,
और उसने मुझे कहा कि आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज करो, मेरी प्रोडक्ट को परचेज करो, जैसे ही आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज करोगे आपने उसको यूज करना है और उसके 7 दिन बाद आफ्टर 7 डेज आपने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना है, आपने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना है। ठीक है जी, मैंने उससे पूछा कि किस कीवर्ड के अक्रॉस मैं आपकी प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। क्यों कीवर्ड का वर्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि हर सेलर ने अपनी लिस्टिंग को किसी कीवर्ड के अक्रॉस रैंक करवाना होता है, हर सेलर ने अपनी लिस्टिंग को किसी कीवर्ड के अक्रॉस रैंक करवाना होता है। ठीक है जी, तो कीवर्ड हर बायर हर प्रॉक्सी मार्केटर ऑलवेज कीवर्ड को टाइप करके उसकी लिस्टिंग में जाएगा ताकि ये ऑर्गेनिक रहे, ताकि ये ऑर्गेनिक लगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक एसिन पकड़ लेता हूँ, चले पहले इसी प्रोसीजर को स्टडी कर लेते हैं, इलीगल प्रोसीजर बाद में स्टडी करेंगे। मैंने मेरे सेलर ने मुझे कीवर्ड दे दिया गार्लिक प्रेस का, कहता ये कीवर्ड टाइप करो और तीसरे या चौथे पेज पे मेरी लिस्टिंग पड़ी है, चौथे पेज पे ये लिस्टिंग पड़ी है, ये इसका सोल्ड बाय है, आपने उसको जाके परचेज कर लेना है। मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने गार्लिक प्रेस का कीवर्ड टाइप किया, मैं एक ऑर्गेनिक वे के साथ जाऊंगा, मैं मुख्तलिफ लिस्टिंग्स देखूंगा, पहले मैं पहले पेज के ऊपर मुख्तलिफ लिस्टिंग्स देखूंगा, मैं इसके ऊपर जाऊंगा, इसके ऊपर जाऊंगा, मैं इसकी लिस्टिंग को स्टडी कर लूंगा कि अच्छा इसने ये टाइटल लिखा हुआ है, अच्छा इसके ऊपर इतने रिव्यूज हैं, मैं 2-3 मिनट इसकी लिस्टिंग के अंदर गुजारूंगा। क्यों गुजारूंगा, क्यों गुजारूंगा, जिस तरह अल्लाह आप सबको देख रहा होता है ना, ठीक है जी, अल्लाह हम सबको देख रहा है, तो उस लेवल पे तो नहीं, ऑब्वियसली अल्लाह एक है, अल्लाह की तरह कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमेजोन का जो एल्गोरिथम होता है, जब एक बायर कोई कीवर्ड टाइप करके आता है उसकी लिस्टिंग के ऊपर आता है या किसी नीश के ऊपर आता है, अमेजोन हमारे पीछे उसका एल्गोरिथम लगा देता है कि देखो ये बायर क्या कर रहा है, इसको स्टडी करो। तो मैं एक बायर हूँ, मैं डायरेक्टली कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ और मैं सीधा उस छठे सातवें पेज पर जाके उसकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता हूँ, तो अमेजोन का एल्गोरिथम मुझे भी बैन कर देगा और उस सेलर को भी बैन कर देगा। ठीक है जी, तो मैं ऑर्गेनिक तरीका क्या आजमाऊंगा, मेरा ऑर्गेनिक तरीका क्या होगा एज अ बायर, एज अ बायर मेरा ऑर्गेनिक तरीका क्या होगा, मैं आऊंगा सबसे पहले, मुझे पता है कि मैंने किसकी प्रोडक्ट को परचेज करना, मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर है, लेकिन सबसे पहले मैं मुख्तलिफ लोगों की लिस्टिंग्स में जाऊंगा, मैं सबसे पहले पहले पेज पे जो ज्यादा हाई कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, जिनके अच्छे खासी सेल है, अच्छे खासी उनके ऊपर रिव्यूज हैं, उनकी लिस्टिंग्स को देखूंगा और उनकी लिस्टिंग्स को भी ऐड टू कार्ट कर लूंगा। ऐड टू कार्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने परचेज कर लिया है, मैंने इसको कार्ट में ऐड कर दिया है कि मैं इसको आगे चल के कभी ना कभी परचेज कर लूंगा, किया नहीं है लेकिन मैं शौक रखता हूँ इसको परचेज करने के लिए। ठीक है जी, अमेजोन का एल्गोरिथम कहेगा चलो इसने इस बायर को विश लिस्ट में ऐड कर लिया है, ऐड टू कार्ट करने का मतलब होता है विश लिस्ट में ऐड कर लेना, कि मैं विश करता हूँ मैं इसको ऐड कर लूँ। ठीक है जी, इसी तरह मैं पहले पेज के ऊपर और भी 2-3 सेलर्स को देखूंगा और उनकी लिस्टिंग्स को भी मैं ऐड टू कार्ड कर लूंगा। इसी तरह मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, तीसरे पेज पे जाऊंगा और मैं इस तरह करते करते मैं चौथे पेज पे आ जाऊंगा, इस तरह करते करते मैं चौथे पेज पे आ जाऊंगा, चौथे पेज पे मैं चला जाऊंगा, फिर पहले दूसरे पे जाऊंगा, फिर तीसरे पे जाऊंगा, फिर चौथे पे जाऊंगा, इस तरह करके ना मैंने कोई 3 से 4 अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड टू कार्ड कर लिया। फिर मैं चौथे पेज पे आता हूँ, चौथे पेज पे कहता हूँ ये है मेरे सेलर की प्रोडक्ट, ये है मेरे सेलर की प्रोडक्ट, लेट्स सपोज ये मेरे वाले सेलर की प्रोडक्ट है जिसने मुझे टास्क दिया हुआ है, जिसने पीछे से पकड़ के मुझे कहा हुआ है कि आपने मेरी प्रोडक्ट परचेज करनी है, उसने मुझे इसकी इमेजेस भी दी हुई है, उसने मुझे इसका सोल्ड बाय भी दिया हुआ है, ये मुझे इमेज नजर आ गई कि अच्छा देखो मेरी इमेज मैच कर रही है, यही प्रोडक्ट है, मैं इसकी फिर इसकी लिस्टिंग के अंदर जाऊंगा लास्ट में, जब मैंने ऑलरेडी 3 से 4 लोगों की लिस्टिंग्स को ऐड टू कार्ट कर लिया होगा, फिर मैं इसकी लिस्टिंग में जाऊंगा, इसकी लिस्टिंग में भी जाके मैं 5-10 मिनट इसकी लिस्टिंग को देखूंगा ताकि अमेजोन के एल्गोरिथम को लगे कि ये बंदा कोई ऑर्गेनिक बंदा है, ये लिस्टिंग को सिर्फ जाके फौरी परचेज नहीं करता है, ये लिस्टिंग को जाके पहले पढ़ता भी है, लिस्टिंग को स्टडी भी करता है, मैं ऊपर नीचे जाऊंगा देखूंगा कि लिस्टिंग कैसी है और फिर मैं इसको भी मैं ऐड टू कार्ट कर लूंगा, इसको भी मैं ऐड टू कार्ड कर लूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं लैपटॉप बंद करके ठीक है जी अपने काम में लग दूंगा, फिर मैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आऊंगा, फिर मैं 2 या 3 घंटे बाद आऊंगा, मैं बाकी सबको छोड़ के इस प्रोडक्ट को बाय नाउ कर लूंगा। जब मैं ऐड टू कार्ड करते हैं ना, जब हम ऐड टू कार्ड करते हैं तो हमारे बायर अकाउंट में हमें वो चीजें नजर आ रही होती हैं,
जैसे यहाँ पे कार्ट में जीरो नजर आ रहा है, अभी तक मैंने कोई भी प्रोडक्ट एड टू कार्ट नहीं की हुई तो जीरो नजर आ रहा है, लेकिन मैं अगर 6-7 प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 6 और 7 नजर आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी जिनको मैंने एड टू कार्ट किया हुआ है, जिनको मैंने एड टू कार्ट किया हुआ है, देखिए जिस तरह ये एड टू कार्ट मैंने किया हुआ है, और इसको फिर मैं बाय नाउ कर लूंगा, इसको जो जिसको मैंने परचेज करना है, जिसके सेलर के साथ मेरी डील हुई भी है, इसको मैं परचेज कर लूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, एक तो अमेज़न के एल्गोरिथम को लगा कि एक बहुत ही ऑर्गेनिक बंदा, एक बहुत ही ऑर्गेनिक बायर आया है, उसने मुस्लिम लिस्टिंग्स को स्टडी किया है, सब कुछ किया है, ठीक है, और उसने फिर छोड़ दिया, और फिर 3-4 घंटे बाद वो दोबारा ऑनलाइन हुआ है अपने बायर अकाउंट में, और उसने बाकी सेलर्स को छोड़ के इस बंदे के लिस्टिंग को परचेज कर लिया। एक ऐसा बंदा जो कि लास्ट पेजेस पे मौजूद था, उसने उसकी लिस्टिंग को तरजीह दी है उन सेलर्स के ऊपर जो ऑलरेडी पहले पेज पे मौजूद है। इससे अमेज़न के पता लगेगा कि वो वाली लिस्टिंग जिसको इसने परचेज किया है वो कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग है, कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये बंदा, तो अमेज़न उस प्रोडक्ट को उठा के पहले पेजेस पे ले आएगा। ठीक है जी, ये होता है सिंपल प्रोसीजर जो प्रॉक्सी मार्केटर्स ने करवाना होता है, जो प्रॉक्सी मार्केटर्स ने करवाना होता है। ठीक है जी, इसकी होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब यहाँ अब जो सेलर होता है वो कितने बायर भेजता है सेलर, अब आप लोगों को तो सेलर का भी पता है क्योंकि आप लोग वीए हैं, आपको सेलर क्या काम करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, इसका भी अंदाजा होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए, और बायर क्या काम करेगा और क्यों करेगा इसका भी पता होना चाहिए क्योंकि आप वीए हैं। अब आपको पता है कि एक सेलर उतने ही प्रॉक्सी मार्केटर्स हायर करेगा जितने उसके रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज वो एक प्रॉक्सी मार्केटर हायर करता है और उससे कहता है कि मुझे 20 ऑर्डर चाहिए अपनी लिस्टिंग के ऊपर, 20 ऑर्डर चाहिए। सर कितने दिनों में 20 ऑर्डर चाहिए? मुझे 3 दिनों में 20 ऑर्डर चाहिए। तो आप 20 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, आपको लगेगा 6 से 7 ऑर्डर पर डे, तो आप डेली बेसिस पे 6 to 7 बायर्स को हंट करेंगे। आप हंट करेंगे, आप प्रॉक्सी मार्केटर हैं, आप हैं प्रॉक्सी मार्केटर, आप बायर्स को हंट करेंगे जो उसकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और आप बायर को बिल्कुल यही प्रोसीजर बताएंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है जी, लिस्टिंग में क्या चीज आपने बतानी होती है बायर को, एक लिस्टिंग की इमेजेस देनी होती हैं आपने बायर को ताकि वो लिस्टिंग की इमेजेस को देख के पहचान जाए, अच्छा ये वाली लिस्टिंग है, मैंने इसको परचेज करना है। दूसरा, आपने उसको सोल्ड बाय बताना होता है कि लिस्टिंग सोल्ड बाय किसकी है, कौन बेच रहा है लिस्टिंग, इस तरह ये मेम्पिडोंट है ना, इसी तरह आपने अपनी लिस्टिंग का सोल्ड बाय उसको बताना है ताकि जब वो लिस्टिंग में आए, एक तो इमेज से वेरीफाई कर रहे हो, दूसरा सोल्ड बाय से वेरीफाई करे। लिखने वाली चीजें लिखें, मैं एक मिनट देता हूँ आपको, ये जो चीज मैंने बताई है लिखें। ठीक है जी, दो चीजें लिख ली आपने, नोट कर ली। अच्छा जी, ये काम किसने कराना है, बायर ने। अब तो ये दो चीजें आपने बायर को देनी होती हैं। बायर कौन होगा, बायर आप ढूंढेंगे, बायर कौन ढूंढेगा, बायर आप लोग ढूंढेंगे क्योंकि आप लोग प्रॉक्सी मार्केटर है, आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है उसकी। ठीक है जी, आपने उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही ऑर्डर आपको पीछे से सेलर देता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे फास्ट, प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे ज्यादा फास्ट मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे ज्यादा फास्ट मेथड ये प्रॉक्सी मार्केटिंग है, जिसको हम गिव अवेज भी कहते हैं। अब जो बायर है जो आपकी आपके सेलर की प्रोडक्ट को खरीदेगा, सेलर उसको 100% फ्री में देगा ये प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये सेलर मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉक्सी मार्केटिंग करानी है, मतलब आपने 8 दिनों तक एक दिन में इस के ऊपर 6 बायर भेजने हैं, मैं डेली बेसिस पे 6 बायर्स को हंट करता हूँ और इसकी लिस्टिंग्स के ऊपर भेजता हूँ। ठीक है जी, और जो मेरे बायर्स के जो इसकी प्रोडक्ट 5 में करेंगे, सेलर उनको अमाउंट $9.95 रिफंड परचेज कर लिया, आज उन्हें परचेज कर लिया प्रोडक्ट। अब
आप क्या कहेंगे बायर को? अब दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है रिफंड आफ्टर रिव्यू। अब जो बायर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा ना, वो 7 दिन बाद आफ्टर 7 डेज आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देगा, 5-star review, 5-star review देगा और बेहतरीन लिखेगा कि ये प्रोडक्ट बेहतरीन है, 5-star review देगा, क्योंकि उसको रिफंड चाहिए, उसको फ्री में ये प्रोडक्ट देनी है हमें, तो वो आपको 5-star review देगा। और जैसे ही उसका रिव्यू लाइव हो जाएगा लिस्टिंग के ऊपर, उसका जो रिव्यू होगा लिस्टिंग के ऊपर लाइव हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे मुस्लिम रिव्यूज हैं, ये लाइव होने के बाद शो होते हैं ऊपर, ये तकरीबन 3 से 3 लग जाते हैं रिव्यू को लाइव होने में। जब ये रिव्यू लाइव हो जाएगा, सेलर को यहाँ पे उस बंदे का रिव्यू नजर आना शुरू हो जाएगा, तब सेलर आपके बायर को रिफंड करेगा, ठीक है। एक मॉड्यूल होता है ये वाला, एक मॉड्यूल होता है रिफंड आफ्टर रिव्यू, रिफंड आफ्टर रिव्यू, और दूसरा मॉड्यूल होता है रिफंड आफ्टर शिपमेंट। दूसरा मॉड्यूल कौन सा होता है? रिफंड आफ्टर शिपमेंट। एक तो हो गया ना रिफंड आफ्टर रिव्यू, कि जब बायर को प्रोडक्ट मिल जाएगी, 7 दिन बाद उसको यूज करेगा, 7 दिन बाद उसके ऊपर रिव्यू देगा, जैसे ही उसका रिव्यू लाइव हो जाएगा तब उसको रिफंड मिल जाएगा जो उसने प्रोडक्ट को खरीदने में पैसे लगाए हैं, क्योंकि उसने आपके कहने पर प्रोडक्ट खरीदी है, आपने उसको 100% फ्री में प्रोडक्ट देनी है। स्टार्टिंग में तो वही अपने पैसों की परचेज करेगा, लेकिन जब उसका रिव्यू लाइव हो जाएगा तब आप उसको ये जो अमाउंट में उसने प्रोडक्ट परचेज किया वो रिफंड कर देंगे। सेकंड होता है रिफंड आफ्टर शिपमेंट, कि जैसे ही बायर प्रोडक्ट परचेज करे और अमेज़न के वेयर हाउस से उसकी जो प्रोडक्ट है वो निकल जाए, अमेज़न के वेयर हाउस से उसकी प्रोडक्ट निकल जाए बायर को देने के लिए, और आपको पता लग जाए कि हाँ अमेज़न के वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट निकल गई भी है उस बायर के लिए, तो तब आप उस बायर को रिफंड कर देंगे। दो मॉड्यूल होते हैं, एक होता है रिफंड आफ्टर रिव्यू, दूसरा होता है रिफंड आफ्टर शिपमेंट। ठीक हो गया जी, इस चीज को लिख लें आप लोग, इस चीज को लिख लें। 100% फ्री में प्रोडक्ट देते हैं आप उसको, 100% फ्री में प्रोडक्ट देते हैं। ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है, ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर चीज है रिफंड आफ्टर रिव्यू। जब बायर रिव्यू दे दे, उसका रिव्यू लाइव हो जाए, तब आप उसको रिफंड करें, ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो बेसिकली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें प्रॉक्सी मार्केटिंग की, बहुत बहुत थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉक्सी मार्केटिंग की हमें। अब आते हैं अपनी नोट्स की तरफ वापस। अच्छा जी, प्रॉक्सी मार्केटर क्या है? वो जो बायर को लेके जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उनसे प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं और उनसे रिव्यू दिलवाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और उनको रिफंड करवाते हैं, सेक्टर सेक्टर, ये होते हैं प्रॉक्सी मार्केटर। PMM कौन होता है? प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, फुल फॉर्म इसकी है प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर। ये हेड होता है PM का, ये हेड होता है PM का। आप लोग डायरेक्टली एक सेलर के साथ भी अटैच हो सकते हो, आप खुद भी एक सेलर हंट कर सकते हो कि मैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दिलवाऊंगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेके आऊंगा, ठीक है। आप एक डायरेक्ट सेलर के साथ भी अटैच हो सकते हो और आप एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ भी अटैच हो सकते हो। फिर वो मैनेजर आपको प्रोडक्ट देगा और आपको डेली बेसिस पर टास्क देगा कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने ऑर्डर लेके आने हैं, ठीक है जी, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, ठीक है जी। ये सिंपल क्या करता है? ये सिंपल आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है, ग्रुप में ही आपको ऐड कर देता है, ग्रुप में ही आपको प्रोडक्ट्स देता है, हजारों की तादाद में वो प्रोडक्ट्स होती हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। जब आप डायरेक्टली एक सेलर के साथ अटैच होते हो ना, एक सेलर के साथ अटैच होते हो, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया एक सेलर था गार्लिक प्रेस का, तो आपको सिंपल एक ही प्रोडक्ट मिलती है बायर को दिखाने के लिए। लेकिन जब आप एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ अटैच होते हो ना, तो आपको हजारों के लिए ऐसे प्रोडक्ट होती है आपके पास, आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है प्रॉक्सी मार्केटर की? कि बायर ढूंढे, उस बायर को प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाए, उससे प्रोडक्ट को परचेज करवाए, उससे रिव्यू दिलवाए और उसको रिफंड करवाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है? रिव्यू की इंपॉर्टेंस आज हमने देखी है कि प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग होता है, और इससे प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत जल्दी रैंक होती है। जेनिस क्या होती है? आप लोग आगे चल के बहुत वर्ड ये वर्ड सुनेंगे, जेनिस, जेनिस प्रॉक्सी मार्केटिंग में जेनिस क्या होती है? जो आपके बायर होते हैं,
जो आपके बायर होते हैं, जो आपके कहने पे आपके सेलर की प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसके ऊपर रिव्यू देते हैं, वो होते हैं आपके जेनीज। फेसबुक का क्या रोल है प्रॉक्सी मार्केटर्स मैनेजर्स को हंट करने में, बायर्स को हंट करने में और सेलर्स को हंट करने में? मोस्टली सेलर चाइनीज सेलर्स होते हैं, ठीक है जी। तो फेसबुक का क्या रोल है इस चीज में, इसके ऊपर भी आ जाते हैं अभी। अच्छा जी, फेसबुक के ऊपर जिस तरह आप सबको पता है एक्सट्रीम कॉमर्स है, जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे पास अनेबलर्स है, उसी तरह आपके पास बहुत सारे बायर और सेलर्स के भी ग्रुप होते हैं, जो क्या काम कर रहे होते हैं, जो ये प्रॉक्सी मार्केटिंग का ही काम कर रहे होते हैं, जो रिव्यूज का और सेल का काम ही कर रहे होते हैं। ये सारे रिव्यूज और जो सेल होते हैं ना, ये पेड होते हैं, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये किसी के कहने पर करवाए जाते हैं। अब जिस तरह ये ग्रुप है Amazon बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है जी। अब आपका आप यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी पोस्टें लगती हैं, ठीक है जी। और ये कौन सी प्रोडक्ट होती हैं, ये प्रोडक्ट होती हैं सेल के लिए। जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है जी, ये सेल के लिए लगी हुई है। और ये सेल के लिए क्या है, ये फ्री में है, USA में देखें फ्री में प्रोडक्टें मिल रही हैं। पाकिस्तान में कभी सुना है कि फ्री में प्रोडक्ट ले लो मेरे से, USA में फ्री में प्रोडक्टें मिल रही हैं, ठीक है जी। तो इन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है, इन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है। अभी देखें ये एक पोस्ट लगी हुई है, यह आप ही की तरह एक प्रॉक्सी मार्केटर है, आपने भी इसी तरह सेलर हंट करने हैं, आपने इसी तरह इन ग्रुप्स के अंदर से ही सेलर हंट करने हैं, ठीक है जी। ये आपको सेलर मिलेंगे, इस तरह आपने इनसे इनकी प्रोडक्ट लेनी है, इनकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज डलवाने हैं, इनकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेके आनी है। वो प्रोसीजर हम आगे चल के स्टडी कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये देखें US के लिए एक पोस्ट लगी हुई है, ये सारी प्रोडक्ट है फ्री में दी जाएगी, फुल रिफंड किया जाएगा आफ्टर रिव्यू, रिफंड आफ्टर रिव्यू, पहला वाला मॉड्यूल जो मैंने बताया, रिफंड आफ्टर रिव्यू। अब नीचे बायर्स होते हैं, कमेंट्स में बायर ने इंटरेस्टेड लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पे ये देखें, ये बायर है, इसने इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, और भी बायर्स हैं जिन्होंने इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। ये कौन है, ये बायर्स हैं। बायर को किस तरह हंट करना है, सेलर को किस तरह हंट करना है, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर को किस तरह हंट करना है, वो चीज हम आगे चल के देख लेंगे। ज्यादा ना वो सब हो जाएंगी अगर आज ही मैं आपको बताऊंगा। इन ग्रुप्स में इंडियंस भी हैं, इन ग्रुप्स में बांग्लादेशी भी हैं, और इन ग्रुप्स में अंग्रेज भी हैं, ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा प्रॉक्सी मार्केटिंग पाकिस्तान में की जाती है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा अर्निंग भी प्रॉक्सी मार्केटिंग पाकिस्तान में ही हो रही है, ठीक है जी। पहले होता था कि बांग्लादेशी इसमें बहुत आगे थे, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें बहुत आगे हो गया है। लास्ट 6 से 7 मंथ्स में ना पाकिस्तान प्रॉक्सी मार्केटिंग में नंबर 1 हो गया हुआ है। तो हर जगह सेलर्स आपको मिलेंगे, हर जगह बायर्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी आपको सेलर्स की, आपको कोई कमी नहीं आएगी बायर्स की। बस सिंपल एक मॉड्यूल समझने की जरूरत है कि काम करना कैसे है, थोड़ा सा मॉड्यूल आज हमने समझा इस चीज का कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में PM की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसने बायर को कैसे गाइड करना होता है। मैंने आज आपको जो मॉड्यूल बताया कि मैं इस तरह जाऊंगा, इस तरह प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, इस तरह फिर उसके ऊपर रिव्यू दूंगा, ये सारा मॉड्यूल आपने बायर को समझाना होता है। बायर कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किस तरह आप उसको समझाएंगे, ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे, ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा माइंड मिक्सअप हो गया आप लोगों का। सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जी, पूछे जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि बायर जो है, जहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल US मार्केट में कर रहे हैं, तो बायर इसमें US मार्केट के ही होना जरूरी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं उसी मार्केट के बायर होंगे। और सर बायर हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, मतलब उनको कैसे होगा यकीन के जी अगर वो चीज खरीदेंगे तो हम उसे रिफंड कर देंगे? वो ना बेसिकली उसका मॉड्यूल होता है, आपके पास मोस्टली स्क्रीनशॉट्स होती हैं, उसको यकीन दिलवाने के लिए रिफंड की स्क्रीनशॉट्स होती हैं, वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप जरा थोड़ा सा बायर को ट्रस्टवर्दी हो लगे। वो एक मॉड्यूल होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर ये सारी ये भी प्रोफेशनल बायर होते हैं, इनको पता होता है कि पाकिस्तानी अगर हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ना तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो उनको पता होता है कि ये रिफंड कर देते हैं, तो इस तरह का कोई इशू नहीं है।
सर, ये सारी जो अभी हम लोग चीजें देख रहे हैं सर, अमेजोन को भी जाहिर बात है ये सारी चीजें पता ही होंगी, वो थोड़े बच्चे थोड़ी हैं। तो सर अगर वो इस चीज को डिग आउट कर ले थोड़ा सा और किसी को पकड़ ले इस तरह से, मतलब ग्रुप्स पे जाके या इस तरह से वो पकड़ता है, उसने पकड़ते सेलर्स के हैं। अकाउंट ब्लॉक किए हुए हैं। लेकिन ये जो मॉड्यूल मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह आपने अपने बायर को भेजना है, ये मॉड्यूल बायर को भी पता होता है, बायर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं सीएस के बारे में, और ये मॉड्यूल हमें भी पता है, हम भी बायर को बताएंगे, और ये मॉड्यूल सेलर का भी पता होता है। तो बहुत कॉन्शियस हो के एक एक बहुत ही मिनिमम वेलोसिटी के साथ अगर हम ये काम करें ना, तो नहीं पकड़ा जाता बंदा। ठीक है सर, सही है, थैंक यू सर। जी, किसी और का की क्वेश्चन। जेनिस क्या होते हैं? जेनिस बेसिकली आपके एडवाइज होते हैं, जो आपके कहने पे आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसके ऊपर रिव्यू देते हैं, उनको हम जेनिस कहते हैं। ठीक है, जी सर, तीसरा थैंक क्वेश्चन था। अब पूछे नहीं मतलब साहब, अब पूछे आप। यू। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। चलिए आप पूछे। जी सर, प्रॉक्सी मार्केटर जब रिफंड करते हैं तो उसके लिए सर बाय अमेज़न का मीडियम यूज करेंगे पेमेंट के लिए, या फिर कोई पेपाल या? जी बिल्कुल, पेपॉल होता है बेसिकली। पेपॉल क्या होता है? पेपॉल बेसिकली जिस तरह हम लोग यहाँ पे इजी पैसा कैश का यूज करते हैं ना, जी सर, बाहर अंग्रेज लोग पेपॉल यूज करते हैं, तो हम पेपॉल के थ्रू रिफंड करते हैं। सर तो पाकिस्तान में तो पेपॉल बनता ही नहीं सर। तो हमने थोड़ी ना रिफंड कर रहे हैं, सेलर ने रिफंड कर रहा है, सेलर पेपॉल का। ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी मोहम्मद अबूबकर, आप पूछे। सर मुझे ये पूछना है कि एक रिव्यू के एवज हमें कितना, वो यानी कि कितने पैसे मिलेंगे एक रिव्यू के एवज? आपने बेसिकली एक रिव्यू के एवज अगर हम एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ काम करते हैं ना, तो एक रिव्यू के पीछे हमें मिलते हैं तकरीबन $6 से $7, एक रिव्यू के पीछे $6 to $7, जो कि तकरीबन कोई 800 से 900 रुपए बनते हैं। और अगर हम एक डायरेक्टली एक सेलर के साथ काम करते हैं ना, एक सेलर के साथ अगर हम काम करते हैं, तो हमें एक रिव्यू के पीछे $8 से $9 भी मिल जाते हैं। जी सर, ये डिफरेंस है। और सर मोस्टली पाकिस्तान में वैसे $6-7 देते नहीं है, दे देते हैं। बहुत पाकिस्तानी सेलर के साथ हमें थोड़ी काम करना है, हमने पाकिस्तानी सेलर के साथ थोड़ी काम करना है, हमने तो चाइनीज सेलर के साथ काम करना है। पीएमएम्स भी हमारे बेसिकली वही होंगे जो हमें करीबन कोई $4 से $5 दें। हाँ, पाकिस्तान में जो करंट रेट चल रहा है ना प्रॉक्सी मार्केटर का, वो मेरे ख्याल से $3 से $4 चल रहा है। जी सर, यही चल रहा है ना? जी जी, यही है। तो सर, ये इसका जो रिफंड होता है वो तो सैलरी देगा, उसके अलावा ये हमें प्रॉक्सी मार्केटर को देता है सैलर? अब देखे ना, जो सैलर होता है ना, सैलर असल में देता है पीछे से $6 से $7, उसमें से 50% आपको मिलता है, 50% प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर को मिलता है। अगर आप पीएमएम के साथ काम करते हैं ना, तो 50% आपके रिव्यू का वो रखेगा, 50% आपको देगा। इसी वजह से अगर आप प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के साथ काम करते हैं ना, पीछे से उसको $6 मिलता है, $3 वो आपको देता है, $3 वो खुद रखता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक सैलर के साथ काम करते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि सैलर भी आपने कहाँ से ढूंढनी है। डायरेक्ट अगर आप एक सैलर के साथ काम करते हैं ना, तो वो फिर आपको देता है कोई $6 से $7, वो फिर सारा आपका होता है, और वो आपके बैंक अकाउंट में या कहीं भी आपको दे देता है। लेकिन अगर आप किसी अंग्रेज सेलर के साथ या चाइनीज सेलर के साथ काम करते हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास पेपॉल या पेयोनियर का अकाउंट होना चाहिए। सर वैसे मेरा एक यहाँ पे पॉइंट था कि इस चीज को हम नेगेटिव चीज के लिए भी तो यूज कर सकते हैं, मतलब अपने क्या है जो हमारा कंपेटिटर है, जी कंपेटिटर है, उसको अगर हम लेट डाउन करने के लिए उसके ऊपर हम इसी तरह से कोई कर दें और उसका अकाउंट सीज करवा दें, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा बेसिकली वो भी आपके खिलाफ भी काम कर सकता है, इसलिए कि आपका जो कंपेटिटर है वो आपको कहे के मेरे पास ये बायर्स आए थे, अब अकाउंट बैन कराने के लिए भी आपको एक वेलोसिटी के साथ उसके ऊपर बायर भी जाने पड़ सकते हैं और उसके ऊपर बैड रिव्यू देना पड़ता है। अब लेट्स सपोज आपने 6 से 7 लोग हायर किए हैं, वो एक वेलोसिटी के साथ गए हैं और उन्होंने जाते साथ ही प्रोडक्ट को परचेज किया है, उसके ऊपर बैड रिव्यू दिए हैं और अमेजोन का एल्गोरिथम का पता लग गया, या अगर उसको नहीं भी पता लगा तो उस आपके जो कॉम्पिटिटर है उसको अंदाजा हो गया है,
उसने उनको उनको जो फेक रिव्यू वाले हैं या जो जैनीज हैं उनके अकाउंट को पकड़ा है, अमेजोन को दिया है, अमेजोन ने उनके अकाउंट में जाकर देखा है कि ये बंदे तो पहले भी बहुत सारे बैड रिव्यू दे चुके हैं, तो वो बायर का अकाउंट बैन कर देगा, ठीक है, और वो उस बंदे का वो ठीक रह जाएगा, क्योंकि जो फेक जैनीज होती हैं वो मोस्टली वो बैड रिव्यू ही देती हैं, ठीक है जी। अब ये जो ओरिजिनल जैनीज होती हैं, जो फेक जैनीज नहीं होती हैं, वो कभी भी बैड रिव्यू बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के नहीं देते हैं, ठीक है जी। फेक जैनीज ढूंढना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, और उनको आगे फॉरवर्ड लेके जाना, उनके साथ उनसे ये इस तरह का काम लेना बहुत महंगा काम होता है। ये बेसिकली कोई करता नहीं है, लेकिन हो सकता है ये काम, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा हमें कॉन्शियस होके बहुत एक मेथड को फॉलो करते हुए जाना पड़ता है। सर, अगर हम इसे बैड रिव्यूज ना डलवाएं, फॉर एग्जांपल हमने अपने कंपेटिटर को सर्च किया कि वो फॉर एग्जांपल दूसरे पेज पे है और हम या पहले पेज पे है, तो हम कहते हैं यार तुम जो ना, मतलब हम अपने जेनिस को कहते हैं कि तुम जाओ और जाते साथ ही उस वाली लिस्टिंग को खोलो और वहां से फॉरन परचेज कर लो, तो ये अमेजोन के एल्गोरिदम के अंदर ये चीज तो आ जाएगी ना कि ये यूजर आया है और इसने डायरेक्ट उसको परचेज कर लिया, इसका मतलब है ये हायर किया गया है। बिल्कुल, तो वो उस सेलर को फिर बैन कर सकते हैं? उस सेलर को बेसिकली बैन तो नहीं करेगा, एक दो नोटिफिकेशन चले जाते हैं उसे, जिससे उसे अकाउंट की हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है, उसकी रैंकिंग में कोई असर आ जाएगा। बेसिकली अगर वो 10th पोजीशन पे मौजूद है तो वो 20 या 25 पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक या दो के साथ दो से ये काम करवाएंगे तो वो फिर इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप 4 से 5 से करवाएंगे और सेलर को तो इस चीज का पता है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली फिर उस साइड से एसिंग के थ्रू आने वाली जो है ना ट्रैफिक है उसको उसको रिपोर्ट कर देगा। सही सर, ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ जी, बोले के जो पीएमएम है, प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर है, यार एक सेकंड जी बोले, नहीं साहब बोले आप। सर, जो प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू आ रहे होते हैं लोग, अब प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर जो है वो तो ग्रुप्स के अंदर डाल रहा होता है ये चीज, उसको मल्टीपल जो है वो आगे चाहिए होते हैं प्रॉक्सी मार्केटर्स, तो ये डिस्टिंग्विश कैसे होता है कि जो बायर ढूंढा है वो कौन से प्रॉक्सी मार्केटर ने ढूंढा है, ये चीज सर किस तरह वो रिकनसाइल होती है? बेसिकली ना ग्रुप होता है ना, जो ग्रुप होता है ग्रुप के अंदर जो जिस प्रॉक्सी ग्रुप होता है सारे प्रॉक्सी मार्केटर का, और पीएम ने बनाया, पीएमएम ने बनाया होता है, तो जो प्रॉक्सी मार्केटर ऑर्डर ले लेता है वो अपने ऑर्डर की आईडी स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में भेज देता है और कह देता है कि ये ऑर्डर मैंने लिया है, और उसकी एक शीट होती है प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर की ना, एक शीट होती है, वो शीट में अपडेट कर देता है कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर मैंने ले लिया हुआ है, ये ऑर्डर आईडी नंबर है, तो वो ऑब्वियसली फिर कोई और नहीं ले सकता, वो उसको डिस्टिंग्विश हो जाता है फिर। थैंक यू, ठीक है। नहीं तो सर जी, सेम टाइम में एक एक बना लूं, एक बना लूं शीट, बना लूं एक्सेल की शीट, मैंने आप सबके नाम लिखे हुए हैं, अब आप एक प्रोडक्ट ले आते हैं, मैंने पहले आपका नाम अपडेट कर दिया, फिर दूसरा बंदा अगर कोई और ऑर्डर लेके आता तो मैं उसका नाम अपडेट कर दूंगा, इस तरह सारे ऑर्डर डिस्टिंग्विश होते रहते हैं। और अगर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही ऑर्डर लेके आना था, और अगर पहले आप वो ऑर्डर ले आते हैं तो मैं आपका नाम अपडेट करके उस ऑर्डर का जो बेसिकली हकदार है वो आपको ठहरा दिया जाएगा, और बाद में जो ऑर्डर लेके आएगा उस पर मैं कहूंगा कि ये ऑर्डर अपना कैंसिल कराओ, क्योंकि ये पहले नईम साहब ये ऑर्डर ले आए हुए हैं, इस तरह ये प्रोसीजर चलता है। ठीक हो गया? ठीक है सर। हम बायर्स को ढूंढते कहां से हैं? बायर्स को हम बेसिकली आपके सामने मैंने बायर का ग्रुप ही खोला हुआ था, जिस तरह अभी हमने एक फेसबुक ग्रुप खोला हुआ था ना, अमेजोन सेलर्स एंड बायर्स, यहाँ पे कौन बैठा होता है, यहाँ पे बायर्स ही बैठे होते हैं, आप इन ग्रुप्स के थ्रू बाय आएंगे, इन ग्रुप्स के ऊपर से आप बायर को हंट किया करेंगे, वो प्रोसीजर क्या है उसको हम देंगे, लेकिन जितने भी बायर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, 69 कमेंट्स हुए हैं, ये लोग कौन है, ये लोग बायर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ, तो आपके पास कौन आएंगे, आपके पास बायर्स आएंगे, उनका प्रोसीजर क्या होगा, उनको कैसे फिर आगे लेके चलना है वो हम। सर, फेसबुक के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं। सर, ये प्रॉक्सी मार्केटिंग जो है इलीगल है, तो ये तो इसके बगैर नहीं वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता, क्योंकि मुझे तो ये हराम लग रही है, ये तो इससे तो पैसे कमाते नहीं। चले चले, आप ना करें, कोई इशू नहीं।
इसके बगैर भी आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है, बन सकते हैं, बन सकते हैं। प्रॉक्सी मार्केटर अलहदा चीज होती है, वर्चुअल असिस्टेंट एक अलहदा चीज है, लेकिन आप प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको एक क्लाइंट है आपके पास, वो तो वो नहीं ठीक इनकम ही है, वो नहीं है सर, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सोच है इस चीज में। अगर आप सनी अली के सामने ये बात करते तो मैं समझ सकता था कि उनका कैसा रिएक्शन आ रहा था। चले शुक्र है आपने उनके सामने ये बात नहीं की सर, लेकिन ये चीज तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी होती है। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप अपने रिश्तेदारों को ऐसे चीजें देते हो फीडबैक के लिए और वो उनसे लेते हो इन्फॉर्मेशन। ना बने बेसिकली हैदर साहब मौलवी ना बने, मेहरबानी मौलवी ना बने, यहाँ पे सख्त वो होते हैं ना मौलवी, वो ना बने। हम सब लोग जो काम कर रहे हैं ना वो एक मेथड को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। हम अपनी एक सर्विस देते हैं और हम उसके सिर्फ पैसे लेते हैं, ठीक है जी। कोई हराम काम नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो हर कोई कर लेता है, मतलब हम यहाँ पे कौन सा किसी का हक मार रहे हैं या हम यहाँ पे कौन सा किसी को कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। हम तो सिंपल अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दिलवा रहे हैं। अब मेरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मेरी मर्जी से कह के रिव्यू दिलवाऊं उसके ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्टली, आप अगर फेक रिव्यूज और फेक सेल्स डाल के जिस सेलर की जगह पे आप रैंक होंगे तो आप तो उसका हक ही मार रहे हैं ना। तो आपको क्या लगता है वो जो सेलर पहले से वहां बैठा है वो ऑर्गेनिकली वहां पे बैठा हुआ है? अमेज़न के ऊपर 1% भी ऐसा सेलर नहीं है जो ये पीएम का काम करवा के ना आया हो, 1% भी ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ। लेकिन मैं आपके साथ बहस में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे हैदर भाई आप रॉन्ग प्लेस में बैठे हुए हैं। चले बुशरा आप क्वेश्चन पूछें, बुशरा आप छोड़े आगे चले, बुशरा आप क्वेश्चन पूछें। एक जो हमारा मेन सेलर है जो रिफंड करता है, सिर्फ फिटर की जो प्रोडक्ट है वो में आ जाएगी, सिर्फ ये बेनिफिट होता है उसको। मुझे आपकी बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा रिपीट कर सकती हैं? इसलिए वो रिफंड करता है यानी फ्री में लोगों चीज़ें। हाँ, बेसिकली फ्री में वो लेते हैं। ओके सर, मैं ये पूछना चाहिए जो हमारा मेन सेलर होता है जिसने रिफंड करना है बायर को, हाँ जी, तो सर मैं पूछ रही हूँ सिर्फ सर यही बेनिफिट होगा कि उसकी जो जो भी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, इसके अलावा भी कोई बेनिफिट है उसको? उसको जब पहले पेज पे आएगी तो उसकी रैंक हो जाएगी प्रोडक्ट, जब रैंक हो जाएगी तो उसको अच्छी खासी सेल मिलेगी बगैर किसी पीएमएम के, बगैर किसी प्रॉक्सी मार्केटिंग के, उसको ऑर्गेनिक सेल मिलेगी, वो पैसे कमाएगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। तो ये प्रॉफिट होगा उसका सेलर का, और बायर का क्या प्रॉफिट होगा? उसको प्रोडक्ट भी मिल जाएगी, उसको रिफंड भी मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच जी। जी किसी और ने क्वेश्चन पूछना हो तो पूछे जी। हाफिज साहब सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे जितने हैंड रेज किया पहले उसको हाफिज साहब ने हैंड रेज किया। जी हाफिज साहब पूछे। सर पूछना था कि ये ग्रुप कौन से ज्वाइन करने हैं या कोई आपके पास है एंजल ज्वाइन करने? मैं सारे ग्रुप्स के लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं मैं उन सबके लिंक आप लोगों को दे दूंगा। मेरे पास लिंक पड़े हुए हैं, वो सारे आपने ज्वाइन करने हैं, किस तरह ज्वाइन करने हैं, क्या हमारा मेथोडोलॉजी होगी ग्रुप को ज्वाइन करने में, क्योंकि ग्रुप को अगर हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ ज्वाइन करेंगे ना तो हमारा जो फेसबुक अकाउंट है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी हमने सबसे पहले अपने एक एक फेसबुक आईडीज बनानी है हमने सबसे पहले अपने लिए, ठीक है, और उन फेसबुक आईडी से हमने ये ग्रुप ज्वाइन करने हैं। तो मैं ग्रुप्स का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जी। मोहम्मद अब्दुल्ला आप पूछे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो बड़ा आसान सा काम है, मीन के एक पोस्ट लगानी है और बायर आ जाएंगे, तो ये सेलर खुद क्यों नहीं करता या फिर मैनेजर खुद क्यों नहीं करता, हमसे क्यों करवाते हैं? उनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उन बायर्स को हैंडल भी तो करना होता है ना, सिर्फ बायर आगे उन बायर्स को आगे से हैंडल करना होता है, बायर को आगे से गाइड करना होता है, उनको इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, उनको सोल्ड बाय प्रोवाइड करना होता है, उनको बताना होता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे मौजूद है, किस तरह आपने जाना है, क्या मेथोडोलॉजी अपनानी है, आपको रिफंड हो गया या नहीं हुआ। तो ये काम सेलर क्यों करे, सेलर के पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए वो प्रॉक्सी मार्केटर हायर करता है। सर इसके लिए हमें अपनी फेक आईडी बनानी पड़ेगी, रियल आईडी तो ब्लॉक हो जाती है? नहीं नहीं बिल्कुल भी, फेक आईडी तो नहीं बनानी पड़ेगी, बेसिकली आपको 2-3 आईडी बनानी पड़ेंगी अपनी। मेरी भी 2-3 आईडी बनी हुई है, जो आपके सामने अभी खुली हुई है ये मेरी एक सेकेंड आईडी है, जब मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहा था तो मेरे पास तकरीबन कोई 3-4 आईडी थी। तो आपकी जो बेसिकली बायर का ट्रस्ट गेन करना सबसे बड़ी चीज होती है, और बायर ओरिजिनल आईडी के ऊपर डिपेंड करता है।
आप लोगों ने जो अपनी आईडीज बनानी है उसमें आपने अपनी पिक्चर भी लगानी है, ठीक है, आपने अपनी पोस्ट भी शेयर करनी है, आपने अपनी पोस्टों के ऊपर लाइक्स भी लेके आने हैं ताकि बायर को लगे कि ये एक ओरिजिनल आईडी है। अब एक नई आईडी क्रिएट हुई है, लेट्स सपोज वो बिल्कुल नई नई आईडी है, आज ही क्रिएट हुई है और कल आप उसके ऊपर प्रॉक्सी मार्केटिंग करने लग गए तो आपको बायर का जो ट्रस्ट है वो नहीं मिलेगा। बायर देखकर कहेगा ये तो नई आईडी बनी है, क्या पता ये हमेशा स्कैम कर जाए। तो इसलिए आप लोग आज ही अपनी आईडीज क्रिएट करें, एक एक दो दो आईडीज क्रिएट करें फेसबुक के लिए, उसके ऊपर अपनी इमेज लगाएं जो क्लियर इमेज हो जिसमें आपका फेस नजर आ रहा हो, जिस तरह मेरा भी जो मेरी इमेज है आप लोगों को पूरी क्लियर नजर आ रही होगी, इसी तरह आपने अपनी जो आईडीज क्रिएट करनी है फेसबुक की उसमें आपकी क्लियर इमेजेस नजर आ रही हो, आपने अपनी कोई ना कोई एक एक दो दो पिक्चर्स वगैरह शेयर की हो, पोस्ट लगाई हो उधर, और उन पोस्टों के ऊपर तीन तीन चार चार लाइक्स लेके आए, और वो जब तकरीबन एक डेढ़ दो हफ्ता पुरानी हो जाएगी तो उसके ऊपर आप प्रॉक्सी मार्केटिंग स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप लोगों के पास अपनी कोई पुरानी आईडी पड़ी हुई है तो आप उसके थ्रू भी प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकते हैं, और उसको बचाना कैसे है, उसको सेव कैसे रखना है वो हम देख लेंगे, क्योंकि आईडी ब्लॉक होने से बचाया भी जा सकता है। बहुत इजी प्रोसीजर है कि हम अपनी आईडी को किस तरह बचा सकते हैं ब्लॉक होने से, वो भी हम स्टडी करेंगे। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। जी सर, तो सर अपनी पोस्ट के ऊपर रीच कैसे लेकर आए, मतलब आपने बात की थी कि लाइक्स वगैरह आपने लेकर आने हैं, तो सर लाइक वगैरह मेरी एक आईडी है, मेरी एक आईडी है, उसके ऊपर मैं एक पिक्चर लेता हूं, अपनी एक सेल्फी लेता हूं, ठीक है, और उसको ऊपर शेयर नहीं कर देता अपने दोस्तों के साथ, तो वही काम करना है बेसिकली आपने, और अपने दोस्तों से कहेंगे यार मेरी मैंने अपनी पोस्ट लगाई है, मैंने एक अपनी इमेज लगाई है अपनी आईडी के ऊपर, इसको लाइक कर दें, सिंपल। ठीक है सर, थैंक यू। जी शहरून हैदर, आप पूछे। सर मैंने ये पूछना था कि हम खुद बायर नहीं बन सकते, हम जैसे कोई अकाउंट वगैरह बना के, और जो हम यूएसए में नहीं है तो हम नहीं बायर बन सकते, हम नहीं बन सकते, मतलब जो पैसा जो उनसे उनको देना है वो हमें पे कर दे, हमें चीज बचे नहीं नहीं हम नहीं बन सकते बायर। हाँ, अगर हमारा कोई रिलेटिव है यूएसए में या जिस मार्केट में हम ऑर्डर लेके आने लगे हैं उस मार्केट में हमारा कोई रिलेटिव है तो एक ऑर्डर तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डर अपने रिलेटिव को दे दें, तो वो हो सकता है कि हम अपने रिलेटिव को कहेंगे ये प्रोडक्ट फ्री में मिल रही है आप इसको परचेज कर लो, लेकिन वो भी एक या दो से ज्यादा नहीं हो सकता, और वो भी रिलेटिव हमारा उस मार्केट में उधर होना चाहिए, उसके पास उस मार्केट का बायर अकाउंट होना चाहिए लाजम। सर अगर हमारा कोई भी वहाँ पे इस तरह से रिलेटिव है, हमने एक ही बंदा रखा हुआ है अपना यूएस मार्केट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो हमने मतलब जो गिव अवेज बायर है हमारा उसको हमने रखा हुआ है, सर जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे इस तरह के तो हम उसको ही को रखेंगे, मतलब वो रख सकते हैं ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो खरीद सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना तो हम उनके लिए एक एक दफा से ज्यादा नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए एक एक दफा अपने उस रिलेटिव को यूज कर सकते हैं। जी नहीं मसलम, आप पूछे। हो गए क्वेश्चन सबके, हो गए, किसी का कुछ रह तो नहीं गया, ठीक हो गया, चले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी है मेरे ख्याल से सबको ना ये प्रॉक्सी मार्केटिंग की। ये प्रॉक्सी मार्केटिंग करवाने की वजह क्या है, क्यों हम ये प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हैं, इसकी सिंपल सी वजह ये है कि अर्निंग का सबसे सेफ और सबसे ईजी वे है ये, ठीक है जी, सबसे सेफ और सबसे ईजी वे, मतलब इसके ऊपर कोई हमारे पास बर्डन नहीं होता है कि क्लाइंट के लाखों डॉलर्स लगे हुए हैं हमारे ऊपर, नहीं इस स्पेसिफिक टाइम आपने बैठना ही बैठना है अकाउंट के ऊपर, अकाउंट को हैंडल करना है, इन्वेंटरी खत्म हो गई है, कंपेन रुक गई है, इस सारी बर्डन से हम ऊपर होके बिल्कुल ईजी होके प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, आराम से घर में बिस्तर में बैठ के हमने लोगों को सिर्फ मैसेजेस करने हैं, सिंपल लोगों को मैसेजेस करने हैं, उनको प्रोडक्ट देनी है और उनसे ऑर्डर करवाना है, सिंपल। इससे ज्यादा फास्टेस्ट वे और इससे ज्यादा सिंपल वे अमेज़न की दुनिया में और कोई नहीं है। आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाएं, आप सेलर बन जाएं, आपको टेंशन होगी, आपके ऊपर बर्डन होगा, एक तो आपके ऊपर जब एज अ वी है आपके ऊपर क्लाइंट्स का बर्डन होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट का बर्डन होगा, और एज अ सेलर आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट का बर्डन होगा कि कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए, लेकिन एज अ प्रॉक्सी मार्केटर आपके ऊपर एक पॉइंट का भी बर्डन नहीं होता है, ठीक है जी, एक पॉइंट का भी बर्डन नहीं होता है, रिव्यू आया ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, किसी और को ढूंढ ले रिव्यू के लिए,
और हजारों बायर बैठे हुए हैं, हजारों प्रोफेशनल बायर बैठे हुए हैं। आपको ऑर्गेनिक बायर भी मिलते हैं जिनको इसका नहीं पता, आप उनको गाइड कर देते हैं कि आपने कैसे प्रोडक्ट परचेज करनी है, और आपको हजारों ऐसे प्रोफेशनल बायर्स मिलते हैं जिनको पता होता है प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या मॉड्यूल आपने रखना है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज की, आपको बताना भी नहीं पड़ता कि मुझे ऑर्डर आईडी भेज दो, मुझे ऑर्डर स्क्रीनशॉट भेज दो, वो खुद ही आपको भेज देते हैं। उनको पता होता है कि रिफंड आफ्टर रिव्यू होना है, हमें 7 दिन वो चुप करके बैठते हैं, 7 दिन बाद वो रिव्यू देते हैं, 2 दिन बाद रिव्यू लाइव होता है और उनको उनका रिफंड मिल जाता है, उनको इस चीज का पता होता है। और ये बायर आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम बन जाते हैं, आप लोग अपनी टीम बना लेंगे बायर्स की, आप लोग अपनी एक टीम बना लेंगे बायर्स की, आप लोगों के पास कंफर्म हो जाएंगे। ये लोग ना पहले टेस्ट भी करते हैं आप लोगों को, जो बायर्स होते हैं ना प्रोफेशनल बायर, ये पहले आपको टेस्ट भी करते हैं स्टार्ट स्टार्ट में कि क्या मुझे रिफंड दे देता है ये बंदा। और जब आप उनको एक या दो प्रोडक्ट का रिफंड दे देते हैं ना, फिर वो आपके पास परमानेंट हो जाते हैं। इसी तरह आपको बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं जो आपके पास परमानेंट हो जाते हैं एज अ टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता है। फिर आप उन बायर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, लेट्स सपोज व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट आती है आपको नया बायर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपने वो प्रोडक्ट शेयर की अपने ग्रुप में, अपने बायर्स के ग्रुप में, 2 मिनट में उसके आपको 10-20 ऑर्डर मिल गए, आपने घर बैठे हजारों रुपए कमा लिए दिन में। तो ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है बायर्स का जो आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। सेलर्स का भी एसेट हो जाता है आपके पास और बायर्स का भी एसेट हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा इजी और सिंपल वे होता है प्रॉक्सी मार्केटिंग करने का। सेशन वन में जो हमारा सेशन वन गुजरा है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रुप्स बना लिए थे सेशन के दौरान ही, उन्होंने अपने बायर्स के ग्रुप बना लिए थे इतने जल्दी। उनको जो प्रोडक्ट आती थी पीछे से वो आगे अपने ग्रुप में शेयर करते थे, उनको ऑर्डर मिल जाता था सिंपल, उन्होंने आगे ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया, इस कदर सिंपल उनका हो गया था, ठीक है जी। तो ये इसका पूछने का, ये बताने का मकसद ये है कि अमेज़न के हर फील्ड में लापना फायदा है हमें। जी उमर जावेद, आपने हैंड रेस किया, जल्दी से पूछें फिर हम लोग थोड़ा सा नमाज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बायर है वो तो हमारे जो भरोसा करके हम पे तो हमसे वो सेल करता है ना, बाय करता है, तो अगर जो सेलर है वही हमें धोखा दे जाए, वो रिफंड नहीं करता, तो फिर इसमें तो हम ऐसे ही अंदर आ जाएंगे ना, वो तो हमें ब्लेम करेगा बायर कि आपने मुझे रिफंड नहीं दिया। हाँ, इसको इसको इसका इस मसले का हल होता है कि स्टार्टिंग में जब आप एज अ न्यूबी हैं, स्टार्टिंग में आप प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ चले जाएं। जो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर होते हैं ना PMMs, उनके होते हैं बड़े बड़े ग्रुप्स, उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉक्सी मार्केटर होते हैं, तो वो किसी एक के साथ धोखा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप होते हैं, उनके पास सेलर होते हैं, वो वेरीफाइड सेलर होते हैं, वो रिफंड कर देते हैं, उनको लाजिम होते हैं क्योंकि वो फंसे होते हैं उनके साथ। हम अगर एज अ इंडिविजुअल सेलर के साथ काम करें ना, तब ये थोड़ी सी टेंशन होती है कि सेलर रिफंड करेगा या नहीं करेगा। उसका सलूशन ये है कि स्टार्टिंग में आप सिंपल एक या दो बायर को पकड़ो, उनके उनके उनका ऑर्डर करवाओ उसके साथ, और देखो कि क्या मेरा सेलर मेरे बायर को रिफंड करता है या नहीं करता। आपको एक दफा पता लग गया कि हाँ मेरे सेलर ने रिफंड कर दिया है, मेरे बायर्स को टाइमली रिफंड कर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक ईमानदार बंदा है, फिर उसके साथ धड़ाधड़ ऑर्डर का काम करें आप। जी सर, फॉर एग्जांपल अगर वो रिफंड नहीं करता तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका, हम उसको पे करेंगे बायर को? नहीं, पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बायर को कहें कि आप जो प्रोडक्ट है उसको वापस करवा दो, अमेज़न को वापस कर दो आप, क्योंकि 10 दिनों तक ऑप्शन अवेलेबल होती है ना, अगर बायर ऑर्डर को वापस करवाना चाहता है 10 दिनों के अंदर अंदर तो वो करवा सकता है, अमेज़न की पॉलिसी है ये। तो अगर आपका जो सेलर है वो 10 दिनों के अंदर उसको रिफंड नहीं करता, तो आप उसे कहें कि ऑर्डर जो है वो वापस करवा दो, अमेज़न उसको वापस ले लेगा, उसको अमेज़न की तरफ से पैसे मिल जाएंगे, सिंपल। सर, इसमें एक और ऑप्शन भी तो हो सकती है ना, कि अगर हम रिव्यू लेने के बाद वो हमें प्रोडक्ट वापस भेज दे और हम उस तो है ना उसको कुछ इनकम दे दें, कुछ यानी प्रोडक्ट अगर 100 की है तो हम उसे 20 दे दें कि यार आप सिर्फ मुझे बाद में वापस भेज देना रिव्यूज के बाद। नहीं, वैसा प्रोसीजर नहीं होता है, बेसिकली टोटल अमाउंट ना रिव्यू के बाद ही मिलती है। अगर वो 100 की प्रोडक्ट है ना, तो $100 उसको जब वो रिव्यू देगा ना, तो तभी मिलेगा। ठीक हो गया।